Now, let the battle begin! तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं आज हम इंडियन बेस्ट डांसर सीजन 4 के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईबीडी। जी हाँ, आईबीडी सीजन 4 के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे आईबीडी बैटल चलता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा तीन समथिंग कंटेस्टेंट होते हैं, दो भी हो सकते हैं, इनके बीच में बैटल होता है और जो भी बेस्ट परफॉर्म करता है ये सुपर 12 में जो आता है सेलेक्ट होता है, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है उसे रिटर्न घर भेज दिया जाता है। आपको मैंने ये बताया है काफी सारे अपने वीडियोस में, तो यहाँ पे भी आईबीटी बैटल होने वाला है वैष्णवी और प्रांशु के बीच में। इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है तो इनके बीच में होगा आईबीटी बैटल। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो आईबीटी बैटल होता है वो किस बेसिस पे होता है। जैसे सपोज आप एक चीज ही मान सकते हैं कि दो लोग हैं, दोनों अगर हम देखें तो कथक डांस करते हैं, मतलब जो उनका डांस करने का फॉर्म होता है वो सिमिलर होता है, उनके बीच में ही आईबीटी बैटल होता है। ये एक तरीके से देखा जाए तो कंपैरिजन ही होता है। तो यहाँ पे वैष्णवी और प्रांशु के बीच में आईबीटी बैटल होने वाला है, और इनका जो सॉन्ग है वो काफी अच्छा सॉन्ग है। आपको मैं बता देती हूँ, हो गई मैं तेरी दीवानी सॉन्ग सुनने में, मैंने जो बताया इससे शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन हाँ यही वाला जो सॉन्ग है दोनों काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होता है। इसको देखने के बाद तीनों जजेस जो है इन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और इनकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बताना बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि इनमें से कोई एक ही सुपर 12 के लिए सिलेक्ट होने वाला है। कमेंट सेशन में बताइए आपको किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, वैशाली का या माफ कीजिएगा वैष्णवी का या प्रांशु का, कमेंट सेशन में जरूर ये बात बताएं। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।